डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विभय है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। आज जो आपको मैं अपनी कहानी बताने वाला हूँ, मैं इसे अपनी सच्ची कहानी मानता हूँ, लेकिन मैं साबित नहीं कर सकता। ना मैं इसे सच्ची कहानी साबित कर सकता हूँ, ना इसे झूठी कहानी साबित कर सकता हूँ। मेरी कहानी के किरदार, मेरी कहानी के सबूत आप ढूंढ नहीं सकते, और इसका एक कारण है। आप इस कहानी के अंत तक वो कारण भी समझ जाएंगे। 40 साल पहले मेरे पिता उत्तराखंड से मुंबई आए थे एक एक्टर बनने के लिए। मेरे पिता जवानी में काफ़ी खूबसूरत और हैंडसम हुआ करते थे। नशीली नीली आंखें, और यहाँ लड़कियाँ उन पर मरा करती थी। हर कोई उन्हें कहता था कि वो एक बड़े एक्टर बनेंगे, लेकिन उन्होंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। वो कई प्रोड्यूसर के बंगलों के इर्द गिर्द चक्कर लगाया करते, बड़े लोगों से जैसे मिन्नतें किया करते कि छोटा मोटा रोल ही मिल जाए। वो यहाँ पर प्लेज किया करते थे, लेकिन सपने कब चकना चूर हो जाते हैं आप समझ नहीं पाते। जब बोझ आपके कंधों पर पड़ना शुरू हो जाए तो आपके सपने कहीं अंधेरे में गुम हो जाते हैं। मेरे पिता को एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था। वो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके बाद मेरे पिता ने उससे शादी की। वो मेरी माँ थी। इस तरह से दोनों प्यार तो कर रहे थे, लेकिन सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे थे। दोनों एक्टर बनना चाहते थे, दोनों प्ले स्कूल्स में जाया करते, कई थिएटर में भाग लिया करते, लेकिन पॉलिटिक्स छोटे लोगों को बहुत पीछे फेंक देती है, और इसके बाद ज़रूरतें आपको दबा कर रख देती हैं। परिवार की ज़रूरतें मेरे पिता और मेरी माँ पर बोझ बनकर इस तरह से पड़ी थी कि उन्हें धारावी में रहना पड़ा था। उस समय ये ज़्यादा बड़े झोंपड़े नहीं हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे धारावी कब इतनी ज़्यादा बड़ी बन गई पता नहीं चला। मेरे पिता के सपने सपने ही रह गए, और यहाँ पर एक छोटे से चौल में हमें रहना पड़ रहा था। मेरा बचपन इसी चौल में गुजरा। भले ही आप कितने भी अमीर हों, कितने भी गरीब हों, बचपन आपका हमेशा अच्छा ही महसूस होता है। तब हमें पता ही नहीं होता पैसे की कीमत क्या है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी पड़ती हैं। बचपन मेरा इसी तरह से निकला था, लेकिन कहते हैं आपके खून में जो होता है वो कभी ना कभी निकल कर बाहर आ ही जाता है। मेरे पिता के खून में एक्टिंग थी। पूरी ज़िंदगी वो एक्टिंग करने की कोशिश करते रहे, कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ मिल जाए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे थे। इसीलिए वो छोटे से रेस्टोरेंट में काम करने लगे। कभी वो रात के वक्त दरबान बन जाते। इस तरह से घर का गुजारा चल पा रहा था। मेरी माँ भी आसपास के घरों में काम किया करती थी, और मुझे कभी भी उन्होंने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ आप भूखे नहीं मर सकते। काम बहुत है, भले ही छोटा कहें या बड़ा कहें। कई बार तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है, कई बार ये नशे की तरह होता है। जैसे किसी नशेड़ी को एक ड्रग दिया जाए और वो उसमें उलझकर रह जाता है। ये कम पैसे भी हमारे लिए ड्रग ही हैं। हम उसमें उलझकर रह जाते हैं और बस वहीं के रह जाते हैं। ये ड्रग हमारे सपनों को कुचलने के लिए दिया जाता है। मैं भी जब छोटा था तब प्लेज में भाग लिया करता था। हमारे यहाँ बस्ती में एक रामलीला का शो हुआ करता था, और वहाँ पर भी मैं एक्टिंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। भले ही रोल छोटे मोटे ही मिलते थे, उसमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। एक बार मैं पेड़ बना था, और घर मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही कि रामलीला में मैंने भाग लिया है। मेरे पिता तब मुझे समझाया करते थे, छोटे मोटे रोल करने के बाद आप गुम हो जाते हैं, कोशिश करनी है तो बड़ी करनी है। मेरे पिता बचपन से ही मुझे बहुत बातें सिखाया करते थे। हम घर में भी एक छोटा सा प्ले किया करते थे, कभी फनी, कभी किसी फिल्म का हिस्सा।
इस तरह एक्टिंग में धीरे धीरे सीखता गया। मैं साफ रंग का था, नशीली आंखों वाला, बिल्कुल अपनी पिता की तरह। मुझे कोई समझता ही नहीं था कि मैं धारावी में रहता हूँ। हर कोई मुझे कहता था कि मैं किसी अमीर बाप का बच्चा लगता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरे बाप काफ़ी गरीब थे। मैं ऐसे प्रोड्यूसर के पास घूमने लगा, ऐसे टीवी एक्टर्स के इर्द गिर्द घूमने लगा कि मुझे छोटा मोटा कोई रोल दिला दे। इस तरह मेरे हाथ छोटे मोटे रोल लगने लगे थे, कुछ पैसे आने लगे थे। इस तरह मैं एक छोटा सा टीवी सीरियल भी कर रहा था जहां से मुझे हफ्ते के हफ्ते पैसे आने लगे थे। हम धारावी को अब भी छोड़ नहीं सकते थे। मेरे पास और कोई घर नहीं था और मुंबई शहर इतना महंगा है कि आपकी जेब ढीली कर देगा, आप कर्ज में डूब जाएंगे, तब भी आप कुछ गज की जमीन नहीं खरीद सकते। लेकिन बड़े लोगों से मिलने के बाद आपका दिमाग भी बड़ा होने लगता है। उस शो में काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स काम किया करते थे। कई फिल्म स्टार अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए वहां पर आया करते थे और उनसे कुछ बात करने का मौका भी मिल जाता था। कुछ एक्टर तो बहुत ज़्यादा अकड़ू होते हैं, जैसे बहुत कुछ उनमें हो और छोटे लोगों से वो बात तक नहीं करना चाहते। और कई बड़े एक्टर ऐसे हैं जिन्हें बात करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। वो ऐसे नहीं देखते कि आप गरीब हैं या आप छोटे रोल वाले हैं, वो हर किसी से प्यार से बात करते हैं। ऐसे एक्टर्स मेरी आंखें खोल रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे थे। उन्हें शायद मुझ में कुछ दिख रहा था। इस तरह मुझे लगने लगा था कि सच में मैं कुछ कर सकता हूँ। मैंने अपने दोस्तों को बदला। जब आप अपने दोस्तों को बदलते हैं और नए दोस्त बनाते हैं तो चुनाव हमेशा सही होना चाहिए। मैं ये समझ चुका था। पहले मेरे जितने भी दोस्त थे वो सभी निकम्मे थे। घूमना फिरना खाना पीना उन्हें पसंद था, मेहनत करना नहीं पसंद था। और कहते हैं जैसे आपके दोस्त होते हैं वैसे आप बनते हैं, इसीलिए मैंने दोस्त बदल दिए। अब मैं एक छोटे से शो में काम कर रहा था तो वहाँ काम करने वाले और मेरे साथी दोस्त बन गए थे। वो मुझे बड़ी बड़ी बातें बताया करते, कैसे एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करना है, कैसे वहाँ से एक्टिंग सीखनी है, कैसे थिएटर में धमाल मचाना है, उसके बाद छुटमुट रोल मिल जाएंगे, जब किसी और सीरियल में रोल मिलेगा धीरे धीरे पहचान बढ़ेगी और आखिरी लक्ष्य फिल्मों में जाना है, मेन एक्टर बनना है। मैंने एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया था, उसके बाद वहाँ थिएटर करने लगा था और मेरी एक्टिंग सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया करती। सभी विलन का रोल छोड़ दिया करते थे और मैं छलांग लगाकर विलन का रोल पकड़ लिया करता था। एक्टिंग ही तो करनी है, चाहे हीरो बनो या विलन बनो, पुरानी सोच बिल्कुल नहीं रखनी है। मैं विलन बनकर इस तरह से हीरो की धज्जियाँ उड़ाता कि सब कहते ये विलन सबसे अच्छा बनता है। एक बार मैं हीरो बना और उसके बाद सब कहने लगे ये हीरो सबसे अच्छा बनता है। थिएटर करने का एक फ़ायदा होता है, थिएटर देखने के लिए बड़े बड़े लोग आते हैं। कुछ ऐसे एक्टर जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं वो भेष बदल कर यहाँ पर आते हैं ताकि उनकी फिल्मों के लिए खास किरदार आसानी से और सस्ते ढूंढे जा सके। ऐसे ही एक प्रोड्यूसर की नज़र मुझ पर पड़ गई थी और उसने कहा था किसी को बताना मत मैं तुम्हें साइन करना चाहता हूँ, भले ही तुम्हें साइड रोल मिलेगा लेकिन अगर तुमने एक्टिंग बहुत अच्छी की तो एक और फिल्म बनने वाली है, उसमें तगड़ा रोल मिलेगा तुम्हें। मैं बहुत ज़्यादा खुश था और मुझे ये पता था साइनिंग अमाउंट ज़्यादा बड़ी नहीं मिलने वाली, लेकिन मेरे लिए तो वो बड़ी ही है। मैं अब धारावी से निकल सकता था, लेकिन वो प्रोड्यूसर कैसा था मैं नहीं जानता। उसने मुझे मिलने के लिए अपने बड़े से बंगले में बुलाया था और मुझे पहले तो ये डर था, वहाँ पर और भी कई एक्टर आए होंगे और हो सकता है वो सभी से एक्टिंग करवा के देखे और यहाँ मुझे बाहर ना निकाल दे, ऐसा ना हो। जब मैं उस बंगले पर पहुँचा था वो अकेला था और छोटी सी निक्कर पहने, ऊपर कुछ नहीं डाला हुआ, बड़ा सा पेट निकाले, हाथ में एक शराब का ग्लास पकड़े हुए मुस्कुराता हुआ मुझे कह रहा था मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, आओ बैठो कुछ बातें करते हैं। इसके बाद हम एक सोफे पर बैठ गए। ये शब्द मैंने भी पहले कई बार सुना था, कास्टिंग काउच, अब ये सोफा काउच ही तो कहलाता है और मेरी यहाँ पर कास्टिंग होने वाली थी। मेरा दिमाग ठनकने लगा था जब उसकी बातें भी ठनकी ठनकी सी हो रही थी, अजीब सी बातें, जैसे वो मुझ पर लट्टू हो। पहले तो मुझे लग रहा था मेरी एक्टिंग की तारीफ कर रहा है, फिर मेरी आंखों की तारीफ करने लगा, फिर मेरे चेहरे की तारीफ करने लगा, बालों की तारीफ करने लगा,
उसके बाद मुझे कहने लगा, मुझे अपनी बॉडी दिखाओ। मैंने टी शर्ट उतार कर अपने मसल्स दिखाए। मैं हर रोज वर्कआउट किया करता था, लेकिन उसके बाद उसकी शेरो शायरी होने लगी थी। वो और शराब पीता जाता, मुझ पर लट्टू होता जाता और हाथ ऐसे लगा रहा था मुझे। मुझे महसूस होने लगा गलत जगह पर आ गया मैं। उसके बाद उसने मुझसे कहा, क्या तुम डांस कर सकते हो? अब मुझे थोड़ी सी खुशी हुई। वो छूना बंद करे और मुझे यहाँ से जाने दे, लेकिन उसने कहा मुझे तुम्हारा डांस देखना है। मैं तैयार हो गया, लेकिन उसकी डिमांड अजीब थी। उसने कहा मुझे पाकिस्तानी मुजरा देखना है, और मैं कोई मुजरा करने वाला थोड़े ना हूँ। मैं मना करता गया। अब वो मुझे छूने की कोशिश करता रहा, मैं मना करता रहा। हम दोनों में झगड़ा हो गया था और उसने गुस्से में कहा था, अब तू फिल्मों में नहीं आ सकता बेटे, अब तू फिल्मों में नहीं आ सकता। यहाँ से बाहर निकलकर अगर जो हुआ तूने किसी को बताया, उसके बाद तो तुझे छोटा मोटा रोल तक नहीं मिलेगा, और एक्टिंग स्कूल से तुझे लाते मारकर बाहर निकलवाऊंगा मैं। मैं भी गुस्से में उसको बोलकर आया था, क्योंकि उसने हाथ ही इस तरह से गंदे गंदे तरीके से लगाने की कोशिश की थी। झगड़ कर निकला था, और अगले ही दिन मैं समझ गया पॉलिटिक्स यहाँ किस तरह से चलती है। मुझे एक्टिंग स्कूल से निकाल दिया गया, रीज़न कोई नहीं दिया गया था। उसके बाद जिस शो में मैं काम कर रहा था वहाँ से निकाल दिया गया, कोई रीज़न नहीं दिया गया। मैं समझ नहीं पा रहा था, जितने अच्छे दोस्त थे मेरे वो भी मुझे छोड़ने लगे थे। हर किसी का कहना था तुम्हारे साथ रहेंगे तो हमारा भी काम खराब हो जाएगा। तब मुझे एक खबर मिली थी कि उस प्रोड्यूसर के जितने भी जान पहचान वाले थे सबका कहना था कि मुझे कोई रोल ना दिया जाए, और यहाँ जो बड़े हैं उनकी ही चलती है, हम जैसे छोटे तो चक्की में पिस जाते हैं। मैं भी पिसने लगा था, मेरी आंखों के सपने टूटने लगे थे, और मेरे पिता कह रहे थे ऐसा अब से नहीं हो रहा, बहुत सालों से हो रहा है। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं अब नए लोगों से मिलना चाहता था। मैं सोचने लगा कुछ नए शोज में ट्राई करूं जो उनसे लगते हों। यानी वो प्रोड्यूसर कई दुश्मन बना बैठा था, और ऐसे दुश्मनों के पास अगर मैं काम करूंगा तो अच्छा रहेगा। ऐसे ही एक शो में मैं काम करने लगा था। भले ही मुझे फिल्म सिटी से जैसे बाहर निकाल दिया गया हो, लेकिन फिर से उसके अंदर घुसने का मैं इंतज़ार कर रहा था। मैं काफ़ी हैंडसम दिखता था, और उस शो की जो डायरेक्टर थी वो डिवोर्स्ड थी। उसकी उम्र 50 साल, और वो मुझ पर बहुत ज़्यादा लट्टू थी। उसने कहा था कि मुझे लीड रोल देगी, वो अगले शो में मुझे लीड रोल भी देगी, मेरी जो फीस होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी। मैं खुश था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था उसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ेगी। उसका कहना था अगर मैं उससे शादी करता हूँ तब वो मेरे साथ काम करने को तैयार होगी, और मुझे फिल्म सिटी के अंदर एस्टेब्लिश भी करवा देगी। मैं एक बूढ़े से शादी थोड़ी ना कर सकता था, मेरी उम्र 24 साल थी और वो 50 साल की, मुझसे दुगनी उम्र की, तब भी 2 साल बच जाएंगे। मैं उससे शादी करना ही नहीं चाहता था, और उसने भी मुझे शो से निकाल दिया। उसने मुझे फिर से धमकी दी थी कि तुम्हें काम नहीं मिलेगा। मैं इतना ज़्यादा मायूस, जब आंखों के सामने सपने टूटते हैं ना, ऐसा लगने लगता है कि मरना बहुत आसान है, जीना मुश्किल है। तब इतना गुस्सैल बन गया था मैं, हर किसी से झगड़ने लगता। मेरे पास काम नहीं बचा था, जो पैसे थे वो भी खर्च हो चुके थे। 1 साल मैं दर दर भटकता रहा था, और मुझे शराब की लत लग गई थी। शराब पीकर कई बार मैं घर में अपने पिता से झगड़ा करने लगा था। पिता समझदार थे कि मुझे बहुत ज़्यादा धक्का लगा है, वो समझाने की कोशिश करते, लेकिन अब मुझे एक छोटा काम करना पड़ा था, सिक्योरिटी गार्ड का काम, और वहाँ से सपने टूटने की आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। कई लोग जानबूझकर मेरी बेइज्जती करके जाते। वो प्रोड्यूसर भी यहाँ पर आया था और मुझ पर हंस कर गया था। मैं इतना ज़्यादा शर्मिंदा था, उस दिन ऐसा लगा था मरना शायद सही है। मैं तब समंदर के किनारे गया था, मुझे लगा था ये सबसे गहरा इलाका है, और यहाँ ऊपर से अगर मैं छलांग लगाऊंगा शायद मुझे कोई बचा नहीं पाएगा। मरने को पूरी तरह से तैयार, लेकिन मरना भी कौन सा आसान होता है। वहाँ से छलांग लगाने की हिम्मत तक नहीं थी। बार बार मेरी टांगें आगे की तरफ बढ़ती और मैं खुद को रोकता। वो दर्द का एहसास जब दिमाग में आता मैं खुद को रोक लेता।
तभी मैंने आंखें बंद की और सोचा अब तो छलांग लगानी होगी, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मैं कैसे जी पाऊंगा ये दर्द लेकर। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने वाला था तभी किसी ने जैसे पीछे से कॉलर पकड़ लिया और मुझे लगा यहाँ कोई ना कोई आ गया मुझे बचाने के लिए। छोड़ दो मुझे, जाने दो, मुझे छोड़ दो, कुछ नहीं करने वाला मैं, मुझे छोड़ दो सही। मैं बस उसे मना कर वो कॉलर छुड़वाना चाहता था ताकि मैं छलांग लगा पाऊँ, लेकिन उसने कॉलर छोड़ा नहीं, खींच कर मुझे पीछे ले आया। ये एक आदमी था जिसकी उम्र 55 साल के करीब होगी, काफ़ी अच्छा लग रहा था, सूट बूट पहना हुआ था। मुझे उसने देखा और मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम्हें मरने की ज़रूरत नहीं है, अभी मरने का समय नहीं है, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मैंने हंसते हुए उसको कहा, देखिए मैं जो चाहता हूँ कोई नहीं दे सकता, मेरे लिए यही ज़्यादा सही है। वो देखने में काफ़ी अमीर लग रहा था, लेकिन कोई अमीर भी मेरे लिए ऐसा क्यों करेगा? किसी को मरने से बचाने के लिए बस उसे थोड़ी सी सांत्वना दे सकते हैं, उसके बाद जब वो मुझे पीछे खींच लेगा वो कह देगा अब मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें बचा लिया बहुत है, मुझे लगा वो ऐसा कहेगा। लेकिन उसके बाद उसने जो जो कहा एक पल के लिए मैं सोच में पड़ गया था। उसने मेरी पूरी आपबीती बता दी थी, कैसे मुझे प्रोड्यूसर ने धोखा दिया, कैसे वो मुझसे शारीरिक संबंध बनाना चाहता था और कैसे एक शो की डायरेक्टर मुझसे शादी करना चाहती थी, वो बुढ़िया कई और बच्चों को भी इसी तरह से फंसाती है। ये सभी बातें उसको पता थी, जो बातें किसी और को पता नहीं हो सकती उसको पता थी, लेकिन कैसे? वो मुस्कुरा रहा था लेकिन मेरा कॉलर नहीं छोड़ा उसने। अब मुझे लगा इससे शायद बात की जा सकती है, कुछ दिल मेरा हल्का कर देगा ये। वहाँ पत्थर पर बैठकर हम बातें कर रहे थे और वो हंसते हंसते बार बार मेरा मजाक बना रहा था। मैं उसको बताता कैसे उसने अपने कपड़े उतारे थे और वो मजाक में कहता, वैसे जोड़ी तुम्हारी काफ़ी अच्छी लगती, दो मर्दों की जोड़ी, कहते हैं कि उसकी भी एक बीवी है, वो छिप छिप कर मर्दों से संबंध बनाता है। अब मेरी भी हंसी सी छूटने लगी थी, लेकिन जब सीने में दर्द ज़्यादा हो तो ज़्यादा हंसा नहीं जाता। उसके बाद मैंने उसको कहा, आप बहुत अच्छे हैं लेकिन मेरी मदद सच में आप नहीं कर सकते, आपके पैसे भी बर्बाद ही जाएंगे। मान लो कि आप मुझे छोटा मोटा शो दिला भी देंगे, उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनकी सत्ता है जैसे फिल्म सिटी पर, वो जो चाहते हैं वैसा ही करते हैं, हम जैसे छोटे आगे नहीं बढ़ पाते। तभी उसने कहा था, तुम्हें पता है छोटे आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? जिनमें काबिलियत होती है उन्हें दबाया जाता है और कई बार एक ही रास्ता बचता है, क्या तुम वो रास्ता जानना चाहोगे जिसे कई बड़े बड़े सेलेब्रिटीज अपना चुके हैं? मैंने कहा, मेहनत और जान पहचान दोनों मेरे पास नहीं है, मैं मेहनत नहीं कर सकता, बहुत मेहनत की, बार बार दिल टूट जाता है। उसने कहा, मेहनत नहीं करनी है, बस जैसा हम कहेंगे वैसा करना है, शोहरत पैसा सब मिलेगा। मैंने कहा, देखिए कोई गलत काम करने को मत कहना, वो प्रोड्यूसर वाली बात मैंने आपको बताई तो उसका गलत मतलब मत निकालना, अभी वो मोटू मेरे सामने आकर कहेगा ना मुझसे संबंध बनाए तो मैं इस समंदर में छलांग लगाऊंगा, उसके साथ कुछ नहीं करने वाला, मैं स्ट्रेट हूँ। तो वो हंसते हुए कहने लगा, वो बात नहीं है, तुमने कभी शैतान से सौदे की बात सुनी है? मैं उसकी तरफ देखने लगा, शैतान से सौदे की बात, कोई फिल्म है? उसने कहा, नहीं, इल्यूमिनाती, एक ऐसी संस्था जो गुप्त तरीके से काम करती है, कभी नाम सुना है? मैंने कहा, हाँ हाँ कहानियाँ सुनी हैं, कई वीडियोस देखी हैं मैंने, जिसमें शैतान को अपनी आत्मा गिरवी दे दो और बदले में वो आपको शोहरत देते हैं, उसकी बात कर रहे हैं ना? तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ उसी की बात कर रहा हूँ, कई लोग हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, या कहूँ बहुत ज़्यादा लोग हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, तुम कभी पता नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुम जुड़ना चाहते हो तो बताओ, तुम्हारा चुनाव किया गया है, अब तुम्हें ये चुनाव करना है, हाँ कहना है या ना कहना है, तुम बताओ, क्या तुम एक बड़े एक्टर बनना चाहते हो, बहुत मशहूर, बहुत ज़्यादा पैसे वाले? हाँ करोगे तो काम बनेगा, ना करोगे तो मैं चला जाता हूँ, तुम छलांग लगाने के लिए आज़ाद हो। तब एक पल के लिए मेरी भी हंसी निकल गई और मैं उस आदमी को कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम मुझे बचाना चाहते हो ताकि मैं यहाँ पर ना कूदूँ,
लेकिन ये बचकानी सी बातें मत करो। मैं कोई बच्चा थोड़े ना हूँ जो ऐसी मिस्ट्री वाली बातें सुनकर तुम्हारी बातों में आ जाऊँगा। मैं नहीं मानने वाला। कुछ और कहना चाहते हो तो वो बताओ। तब वो कहने लगा था, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हें यह काम मिल सकता है। और मैंने मुस्कुराते हुए कहा था, मैं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम तो करूँगा, लेकिन बदले में तुम्हें क्या चाहिए। तब उसने हंसते हुए कहा था, वो समय आने पर बताएंगे, सब कुछ मिलेगा, शहरत, पैसा, जो तुम चाहते हो वो मिलेगा, लेकिन तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा, जो हम कहेंगे तुम्हें वो करना होगा। अब मैं उसके साथ चलने लगा था। मुझे लगा उसकी कोई कंपनी होगी, वहाँ पर मुझसे वो एक्टिंग करवाएंगे, कोई विलन का रोल करवा सकते हैं या ऐसा कुछ करवाएंगे, और नाम इल्यूमिनाती रखा होगा। बाकी मजाक में उसने बड़ा चढ़ा कर कहा है, और मुझे ये भी लग रहा था कहीं ये भी ठरकी ना हो। बातें इसकी भी वैसी ही लग रही थी, कहीं ये मुझसे कुछ करने को ना कहे। अगर इसने कुछ करने को कहा तो इस बार मुंह से नहीं बोलूंगा, हाथों से बोली निकलेगी, हाथों से। ये सोच कर मैं उसके साथ चलने लगा था। एक महंगी गाड़ी, 2.5 करोड़ की गाड़ी में बिठा कर लेकर गया था। ये इस बात को बयां कर रहा था, है ये बहुत अमीर आदमी, कोई बहुत अमीर आदमी है। उस गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा मैं मुस्कुरा रहा था, और वो भी हंसते हंसते मुझे कुछ बता रहा था। वो न्यूज़ बता रहा था कि कैसे इज़राइल में ये हुआ है, कैसे अमेरिका में वो हुआ है, कैसे और कई देशों में कई चीज़ें हो रही हैं, और मैं समझ नहीं पा रहा था ये न्यूज़ मुझे क्यों बताया जा रहा है। वो मुझे लेकर गया था शहर के बाहर, एक पुराने गांव का एक पुराना सा कब्रिस्तान, वीरान पड़े दूर दूर के खेत। और वहाँ जब मैं बाहर निकला था, बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी। यहाँ कहाँ जाने वाले हैं, उस आदमी ने सूट पहन रखा था, वो तो पसीने से तरबतर होना चाहिए, लेकिन उसके माथे पर पसीने की एक बूंद तक ना थी। मैं उसको पूछने लगा था, क्या यहाँ तुम्हारी कंपनी है, ये मुझे कौन सी पुश्तैनी ज़मीन दिखाने के लिए लेकर आए हो। तभी वो वहाँ रुक कर मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा, दिमाग तुम्हारा बहुत तेज़ है, तुम कैसे जान गए कि ये मेरी पुश्तैनी ज़मीन है। मैंने कहा, ऐसी जगह पर कौन आता है, ऐसी जगह आना तो कोई अमीर पसंद करेगा ही नहीं, अगर उसकी पुश्तैनी ज़मीन है, उसकी भावनाएं उससे जुड़ी हैं, तभी आ सकता है। वो हंसने लगा था, अजीब तरह से ऊंची आवाज में हंसता हुआ चल रहा था। हंसता हंसता कब्रिस्तान के अंदर ले गया था मुझे। जैसे जैसे उसके पीछे पीछे चलता रहा, मैं इधर उधर देख रहा था। वो जरा नहीं डर रहा था। नीचे कई कब्रें थी, उनके ऊपर पैर रखता हुआ, उनके ऊपर पैर रखता रखता आगे बढ़ता जा रहा था। और मैं उसको कह रहा था, कब्रों के ऊपर पैर नहीं रखते, भले ही वो मरे हुए हैं, लेकिन हमें कुछ इज्जत तो करनी चाहिए ना। तभी वो मेरी तरफ देखा और उसके बाद आगे बढ़ने लगा और जोर से हंसने लगा। पीछे एक पेड़ के पास एक छोटा सा कमरा बना हुआ था, 2 फुट ऊंचा, 2 फुट चौड़ा। अब छोटा सा कमरा और उसके अंदर कुछ नहीं रखा हुआ। वहाँ मुझे वो खड़ा करके कहने लगा, अब बताओ तुम हमारे साथ काम करना चाहते हो या नहीं, हमने चुनाव कर लिया है, अब तुम्हारी बारी है, चुनाव करोगे, तुम्हें अपने खून से यहाँ पर साइन करने होंगे। मैं उस छोटे से कमरे के दाईं तरफ खड़ा हो गया था, वो आदमी बाईं तरफ खड़ा हो गया था। अब उस कमरे के बीच से उसने एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला, गत्ते के ऊपर चिपके हुए कई कागज़ और ऊपर इल्यूमिनाती का साइन बना हुआ। ये देखते ही मैं काफ़ी हैरान सा हो गया था, ये कैसा मजाक है, मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो, मैंने उससे यही पूछा था। उसने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम्हें अपने अंगूठे से खून निकालना होगा और अपने खून से यहाँ अंगूठा लगाना होगा। मैं अब सोच रहा था कि मैं वैसे भी मरना चाहता था, अगर ये अजीब सी चीज़ करना चाहता है तो मैं कर देता हूँ। अपने अंगूठे पर मैंने पिन मारकर खून निकाला था, काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा था और ये पिन भी काफ़ी मोटी थी। इस तरह खून निकलता गया और मैंने जैसे ही अंगूठा
उस कॉन्ट्रैक्ट पर लगाया, वो कागज कब चमड़े में बदल गया पता नहीं चला। ऐसा लग रहा था जैसे रंग बदलने वाला कागज मोटा चमड़ा बन गया। गत्ते के ऊपर रखा हुआ वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट गत्ते का हिस्सा बन गया था, चमड़े का वो गत्ता। सामने वो इस तरह से पड़ा था और वो आदमी मेरी आंखों की तरफ देख रहा। उसने मुझसे हाथ मिलाया और कहने लगा, आज का दिन बहुत ज़्यादा खास है। पलक झपकते वहाँ बादल आ गए थे, बिजली कड़कड़ाने लगी थी और ये बादल किसी एक दिशा से नहीं आए थे, जैसे आसमान के बीच से अपने आप प्रकट हो गए हों। जैसे एक छेद से कोई चीज़ निकलती है ना, वैसे ये बादल एक छोटे से छेद से निकले और चारों तरफ फैल गए, अंधेरा कर दिया था। बिजली कड़कड़ाने लगी थी और डरावनी बात कि बिजली वहाँ कब्रिस्तान पर पड़ने लगी थी। वो बिजली जैसे धीरे धीरे हमारे करीब पड़ रही हो, और एक बार वो बिजली उस आदमी पर पड़ी थी और मैं छलांग लगाकर पीछे गिर गया था। डर गया था मैं, क्योंकि उसका पूरा सूट जल गया था, उसके पूरे बाल जल गए थे, वो पूरी तरह से जला हुआ लग रहा था, लेकिन मुस्कुराता हुआ। जैसे वो सड़ा नहीं था, बल्कि उसकी इंसानी चमड़ी जो इसके ऊपर थी वो फटकर निकल गई हो, अंदर से ये अजीब सा शैतान दिखने वाला। इसका काला रंग डरावना सा था और मुस्कुराता हुआ मुझे कहने लगा था, तुम अब जा सकते हो, तुम्हारा काम हो गया है, तुम जो चाहते हो तुम्हें मिलता जाएगा, अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अचानक बादल गायब हो गए। वो आदमी पर एक बार और बिजली गिरी थी और उसके बाद उसका धुआं बन गया था। उसके ना कपड़े बचे ना उसका शरीर, वो कहाँ चला गया पता नहीं चला, जैसे वेपोरेट ही हो गया हो। यहाँ कब्रिस्तान में मैं बैठा, दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आए जा रहे। मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ भयानक मौत मिलेगी मुझे, भागो यहाँ से। भले ही मैं मरने के लिए वो पानी में डूबने के लिए गया था, लेकिन आज इस मौत से भी डर लग रहा था। भागता भागता मैं उस कब्रिस्तान से निकला था और वहाँ बीहड़ से दूर जाने का कोई और रास्ता नहीं। और मेरी बेवकूफ़ी देखिए, इतनी महंगी गाड़ी, उसमें लगी हुई चाबी, मैं वो गाड़ी चलाकर नहीं गया, भाग कर गया था, क्योंकि किसी और की चीज़ को बिना पूछे मैं हाथ नहीं लगा सकता था। मैं भागता गया, वहाँ से काफ़ी दूर भागा था और 6 घंटे चलना पड़ा था, इतनी दूर ले आया था मुझे वो। चलते चलते एक हाईवे तक पहुंचा, तब एक गाड़ी के सहारे मैं मुंबई तक पहुंच पाया था। जेब में जितने पैसे थे उसका इस्तेमाल करके मैं बस्ती में पहुंच पाया था, और बस्ती में पहुंचकर ऐसा लग रहा था एक और दिन, जैसे पहले वाले दिन निकले उसी तरह से एक और दिन, और ये भी भयानक सा। रात को जब मैं सो रहा था, बार बार उसका चेहरा नजर आ रहा था, जैसे वो मेरे करीब ही हो। उस रात कमरे में भयानक भयानक चीज़ें हुई थी, अपने आप चीज़ों का हिलना, मैं जिस तरफ देखता वो चीज़ें हिलने लगती। एक बार मैंने घड़ी की तरफ देखा था, 12 बजे हुए थे। 1 घंटे तक मैं घड़ी को देखता रहा, सुई घूम रही थी, सुई 12 बजे पर आकर रुकती, फिर से घूमने लगती। वो घड़ी जैसे खराब हो गई हो, 12 ही बजे थे 1 घंटे तक। कई और घड़ियां चेक की थी मैंने जो मेरे पास थी, हर घड़ी में 12 बजे, जैसे पूरा 1 घंटा बस वहीं पर दुनिया रुकी रही हो। अगले दिन सुबह सुबह जब पास के संडास में जाने के लिए मैं निकला, क्योंकि वहां बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है और अगर आप सुबह चले जाएं तो लाइन में लग सकते हैं, वरना पेट फटने को आ जाता है लेकिन हगने की जगह नहीं मिलती। मैं लाइन में लगने ही वाला था, तभी एक आदमी भागता हुआ मेरे पास आया। मैं उसको जानता था, ये एक बड़ा एक्टर था, इसने पहले काफ़ी बड़ी फिल्मों में एक्टिंग की थी, भले ही अब इसे कोई फिल्म नहीं मिलती और कहते हैं ये कंगाल हो चुका है, लेकिन फिर भी इसका नाम था। लोग उसकी तरफ आ रहे और वो मेरी तरफ भागा भागा आ रहा। मेरे पास आकर कहने लगा, तुम वही हो ना विभय, तुम्हारे लिए एक काम है, मैंने तुम्हारा वो इंटरव्यू देखा था, क्या तुम काम करना चाहोगे? मैंने कहा, जी 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 मैं काम करना चाहूँगा, क्या काम है? उसने कहा, एक टीवी शो है, उसमें तुम्हें भाग लेना है कंटेस्टेंट के तौर पर, क्या तुम ये काम करोगे ना? मैंने कहा, जी जी जो काम कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ।
इसके बाद उसने मुझे शाम को मिलने के लिए अपने घर पर बुलाया था और मैं तैयार था। ऐसी वैसी हरकत की ना, वहीं पर पीटूंगा। और जैसे ही मैं उसके घर पहुंचा, वहां 5-6 लोग और थे, मुझे साइन करने के लिए पहले से तैयार बैठे हुए। हो क्या रहा है यहाँ पर? मुझे एक साथ 3 शो ऑफर किए गए थे और ये तो मेरे लिए खुशी की बात थी। इसके बाद वो रियलिटी शो शुरू हुआ था। वहाँ एज ए कंटेस्टेंट मैं गया था, लेकिन सब कुछ बदला बदला सा, जैसे सब मुझसे डरे डरे से लग रहे थे और मैं वहाँ अपनी पूरी एक्टिंग दिखा देना चाहता था। जानबूझकर झगड़े करना, किसी को पीट देना, लड़कियों से किसी से प्यार से बात करना, किसी की बेइज्जती करना, मैं पूरी तरह से एंटरटेनमेंट करना चाहता था। लोगों को शायद यही पसंद आ रहा था, मुझे फेम मिलने लगी थी और 2 और शो थे वहाँ पर भी कमाल होने लगा था। जानबूझकर जैसे मुझे आगे निकाला जा रहा था, ये मेरी एक्टिंग थी या अपने आप में कुछ कर पा रहा था, नया नया सा अनुभव हुआ था। वो शाम, वो 2 महीने में मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। और वो शाम को बैठा मैं अपनी उस चौल में सोच रहा था, अब यहाँ से निकलना चाहिए, 2.5 करोड़ कमा चुका हूँ मैं, कहीं छोटा मोटा कोई 60-70 लाख का घर तो मिल ही जाएगा ना, ये सोच रहा था। और उस चौल के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी लगी थी, उस गाड़ी के अंदर से सूट बूट पहने आदमी मेरी तरफ बढ़ा रहा, पहचानता था मैं उसे। वो मेरे चौल में अंदर आना चाहता था और मैंने कहा, आपको किसी होटल में लेकर चलता हूँ, चलिए। उसने कहा, नहीं, मैं यहीं पर जाऊँगा, जहाँ तुम रहते हो वहीं पर मैं भी जा सकता हूँ, मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे वो छोटे से कमरे में बैठा था जहाँ से बदबू भी आती थी, नया घर अभी तक मैंने नहीं लिया था, और वो मुझसे बातें कर रहा। माँ का बनाया वो खाना भी उसने खाया, पानी भी उसने पिया, मुस्कुराहट उसके चेहरे से जा नहीं रही थी। और तब उसने कहा, तुम्हारे लिए काम है, अब ये छोटमोट काम तुम्हें नहीं करना है, 1 शो जिसमें तुम फाइनलिस्ट हो, तुम्हें वो शो अभी छोड़ना है, आज तुम उस काम पर नहीं जाओगे, और यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा काम है, तुम पर केस ज़रूर होगा, बाकी सब हम देख लेंगे। उसने ये कहा और मैं उसकी बात टाल नहीं सकता था। प्रोड्यूसर को फ़ोन करके मैंने कह दिया कि अब मैं शो पर आऊँगा ही नहीं, मेरे खिलाफ़ नेगेटिव पब्लिसिटी होने लगी थी। लेकिन कमाल की बात है, पब्लिसिटी तो पब्लिसिटी ही होती है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। 3 दिन बाद वो आदमी फिर से मिलने के लिए आया, किसी गाड़ी में नहीं, फ्रिज से निकला था मेरी। और ये देखकर मेरी आंखें खुली की खुली, तुम फ्रिज में कब घुस गए? उसने कहा, मैं कहीं से भी आ सकता हूँ, तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि तुम्हारी दुनिया कैसे बदल रही है? उस दिन मुझे सच में बहुत डर लगा था, लेकिन वो जो कर रहा था मेरे अच्छे के लिए ही कर रहा था। उस शो से निकलने के बाद जितनी नेगेटिव पब्लिसिटी मेरे खिलाफ हुई, लोगों ने इतनी गालियाँ दी कि मुझे बड़ा शो मिल गया था जिससे और ज़्यादा पब्लिसिटी होने लगी। लोग मुझे जितना नापसंद किया करते, मेरा उतना ही फ़ायदा होता, मेरी रैंकिंग उतनी ही ऊपर आती जाती। एक फिल्म को भी मैंने साइन कर लिया था। इसी के साथ मेरा गला कब इतना अच्छा हो गया कि मैं गाना गा सकूं? मैं सुरीली आवाज़ में गाना गा सकता था और उस फिल्म में मुझसे गाना भी गवाया गया। ये 4 महीने तक बनने वाली फिल्म थी और 4 महीने में मुझे विलन का रोल मिला, इसी के साथ मैंने गाना भी गाया। और वो फिल्म जब थिएटर पर लगी थी तो सुपरहिट धीरे धीरे होती चली गई और मेरा नाम काफ़ी ज़्यादा हो गया। मुझ में जैसे बदलाव हो रहे थे, मैं एक्सरसाइज नहीं किया करता था, मेरी बॉडी हमेशा अच्छी रहती, मैं तो भर भर के खाया करता था लेकिन मेरे एब्स हमेशा बने रहते, मेरे पहले दाढ़ी थोड़ी कम आया करती थी, अब पूरी दाढ़ी आने लगी थी, सफ़ेद बाल बिल्कुल नहीं आया था, मेरे घुंघराले बाल हुआ करते थे लेकिन अब सिल्की बाल हो चुके थे, शरीर तक में बदलाव हो गए थे मेरे। और मैं अब समझने लगा था, इल्यूमिनाती वाली बात झूठी नहीं है, सच्ची है, अब तक सिर्फ मुझे चीज़ें मिल रही थी, मुझसे कोई काम करने के लिए नहीं कहा गया था। मैंने शहर में एक बड़ा बंगलो खरीद लिया था, अगले 3 सालों तक एक बड़ा उभरता हुआ स्टार बन गया था। मेरे पास फिल्मों की लाइन लगी हुई थी, मैं टीवी शोज तो करना ही नहीं चाहता था,
मेरे लायक है ही नहीं, मैं टीवी वाला थोड़े ना हूँ, मैं तो बड़े पर्दे वाला हूँ। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा घमंड भी आने लगा था, और चाहिए भी, मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। वो प्रोड्यूसर जिसने मुझे यहाँ से निकाला था, मेरे तलवे चाटता है कि मैं उसकी फिल्म कर लूँ, और उसे एक दिन अपने घर पर बुलाया भी था। 7 मुष्टंडों से कुटवाया था मैंने, 7 मुष्टंडों से। इतना पीटा था उसे, और जाते वक्त धमकी भी दी थी, तुझे बर्बाद कर दूंगा, तेरे जितने भी फिल्मों की शूटिंग हो रही है ना, सभी एक्टर्स को बाहर निकालूंगा, तुझे कर्ज में डुबो दूंगा, उसके बाद तेरा घर भी बेचा जाएगा, तुझे मैं धारावी में पहुंचाऊंगा। मेरे पांव पड़कर गया था कि जो पिटाई हुई वो भूल जाएगा, बस उसका नुकसान ना करना। इस तरह उसे छोड़ा था, फिर भी उसका नुकसान तो मैंने काफ़ी किया। वो अब फिल्म सिटी से बाहर निकल चुका था। जो डायरेक्टर थी जिसने मुझे उस शो से निकाला था, बदला मैंने उससे भी बहुत ज़्यादा लिया था। न्यूज़ चैनल वाले मेरे घर के आसपास रहा करते थे, और मैंने कई एक्टर्स को फिल्में ऑफर करवा दी थी जो उस शो में थे, और वो शो कब पिट गया पता ही नहीं चला। वो भी मिन्नतें कर रही थी फ़ोन पर, उसे तो बर्बाद करके रख दिया था मैंने। जब आपके पास पैसे आने लगते हैं, नशा हो जाता है, और वो नशा मेरे सर पर चढ़ने लगा था। शैतान से पैसे लेता हूँ मैं, अब किसी और से पैसे लेने की ज़रूरत ही नहीं। किस्मत तक बदल दी थी उसने मेरी, अब कोई मेरे सामने टिक नहीं सकता था। और वो आदमी जब मुझसे मिलने आता था, वो खुद को शैतान कहता था, इसीलिए अब मैं इज्जत से बात करता था। किसी और से नहीं डरता था मैं, सिर्फ उससे डरता था। उसने कभी कभी भी मुझसे बुरी तरह से बात नहीं की, हंसकर मुस्कुराते हुए, और उसके सहारे मुझे ऐसा लगने लगा था मैं दुनिया फतेह कर दूंगा। 5 सालों तक शोहरत मिली थी मुझे, मुझे इतना काम मिला, इतना काम मिला, मेरा दिमाग खराब हो गया था। अब काम तक करने का मन नहीं करता था, बस कुछ शोज में जाता, उससे पब्लिसिटी मिल जाती। मैं छोटे मोटे रोल भी करता, बड़ी फीस लेता, फिर भी वो फिल्म सुपरहिट हो जाती। जैसे मेरे कदम अपने आप फिल्म को हिट करवा देते थे, सब मेरे इर्द गिर्द अपने आप घूम रहा था, जैसे मेरी किस्मत चमक गई हो। मैं गलती भी करता तो उस गलती के लिए भी मुझे अवार्ड मिलता, सब कहते इसने कुछ नया किया है। आप समझ सकते हैं, जब आपकी गलती पर भी आपकी सराहना हो, समझ लो आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। मैं अपने उस बंगलों में बाहर बैठा शराब पी रहा था, तभी वो आदमी उस पूल के बीच से निकला और सामने आकर बैठ गया। उसके कपड़े भीगे नहीं थे, पानी से निकला था वो, फिर भी शैतान जो है ना, शक्तियां जो हैं उसके पास। उस दिन उसने पहला काम कहा था मुझे, वो मेरे लिए एक एडवर्टाइजमेंट का ऑफ़र लेकर आया था, और वो एडवर्टाइजमेंट मुझे फ्री में करनी थी। मैं भी तैयार था, उसने इतना कुछ तो दिया था। ये एडवर्टाइजमेंट एक विदेशी कंपनी की थी, एक ऐसी कोल्ड ड्रिंक की कंपनी जो विदेशों में बहुत धमाल मचा रही थी, और यहाँ पर मुझे इसके लिए काम करना था। लेकिन एक कॉन्ट्रोवर्सी भी इस कोल्ड ड्रिंक के साथ थी। कहते हैं कि इसे पीने के बाद हमारा दिमाग छोटा होने लगता है, इंसान पागलों जैसी हरकतें करने लगते हैं, और कई डॉक्टर्स का कहना था ये कोल्ड ड्रिंक एक तरह से ड्रग के समान है। जैसे लोगों को ड्रग्स की आदत लग जाती है, इस कोल्ड ड्रिंक की आदत लग जाती है, छोड़ नहीं पाता। और मुझे इसका ऑफर आया था, मैंने पहले मना करने की कोशिश की, उसे समझाने की कोशिश की, और उसने जो जवाब दिया था ना, तुम्हें जो काम दिया गया है तुम्हें वो काम करना है, तुम्हें शोहरत मिली है, तुम्हें फ़ायदा मिला है, अब तुम्हें हमारा फ़ायदा करना है बिना सोचे। मैंने एडवर्टाइजमेंट की थी, सबसे बड़ा स्टार तो मैं ही था, और वो कोल्ड ड्रिंक की बिक्री इतनी ज़्यादा बड़ी थी। इसके बाद शराब की एडवर्टाइजमेंट मैं पैसे नहीं लेता था, मुफ्त में करनी पड़ती थी मुझे, और ऐसी ऐसी चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट जो मैं करना नहीं चाहता था, सब कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें। मुझे उसके बाद और भी अजीब अजीब तरह से काम करने पड़ रहे थे, ऐसी फिल्में जिसमें मुझे विलन का रोल करना पड़ता, लेकिन विलन का रोल ज़्यादा इम्पैक्टफुल था। बस उन फिल्मों में कुछ ऐसे मैसेज दिए जाते जो समाज के लिए सही नहीं थे, फिर भी मैं काम कर रहा था,
उसे सही साबित करना था मुझे। यह संस्था कब धीरे धीरे समाज में अपना हिस्सा बना लेती है कोई पता नहीं कर पाता। हर एक दिन मुझे काम करना पड़ा था। एक एक्टर जिसकी उम्र 60 साल थी, उसकी मौत हो गई थी। उसे दफनाया गया था शहर के बड़े कब्रिस्तान में, और रात को उस कब्रिस्तान में मुझे उसे कब्र से निकालना था। मैंने पूछा था क्यों, उन्होंने बताया नहीं। मैंने जब उस लाश को कब्र से निकाला था, उसके माथे पर हाथ रखा था, वो जिंदा हो गया था। एक मरे हुए को मैंने जिंदा कर दिया था और मुझे वो पहचानता था, मेरा दोस्त था। उससे बहुत अच्छी एक्टिंग सीखी थी मैंने, लेकिन उसको काटना था, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना था मुझे। वहाँ एक मोम की वैसी ही मूर्ति, वो हाथ लगाने पर जैसे असली शरीर बन गई, उसे मैंने कब्रिस्तान में डाल दिया। उसके बाद वो असली एक्टर को, जिसके हिस्से काटे थे, खून सूख चुका था शरीर का, लेकिन उसे दर्द हो रहा था, वहाँ से गाड़ी में डालकर मुझे शहर से बाहर लाना पड़ा। उसे उस कब्रिस्तान में लाना पड़ा जहाँ पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। यहाँ उसके इस कटे हुए शरीर को छोड़कर जाना था और वो शैतान उसके साथ कुछ करता। तब उस एक्टर ने कहा था, तुमने भी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तुम भी संस्था से जुड़े हो। मैं उसका किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। मुझे ऐसा लग रहा था सब कुछ अलट पलट चुका हो। मरे हुए को मैं यहाँ लेकर आया हूँ जो बोल सकता है, खून नहीं है फिर भी जिंदा है, और वो भी उस संस्था का हिस्सा है। घबरा गया था मैं। उस दिन गाड़ी चलाकर जब घर पहुंचा था, मैं डिप्रेशन में था। शराब की 2 बोतलें पी थी मैंने। मैंने 3री बोतल भी इस कारण पी कि आज मैं बेहोश होना चाहता हूँ। 3री बोतल खत्म होने के बाद मैं पूरी तरह से नशे में धुत था, फिर भी लड़खड़ा नहीं रहा था। जैसे ये संस्था शरीर में एक असर करती है, आप निडर बन जाते हैं, आपको कुछ नहीं होता। एक बार मुझ पर हमला भी हुआ था, मैं समझ नहीं पाया कि उन्होंने गोलियां तो चलाई थी, लेकिन मेरे शरीर पर कोई गोली लगी क्यों नहीं थी। वहां मैं जिंदा बच गया था। आज अपनी गन निकाल कर जब अपने हाथ पर मैंने गोली चलाई थी, मेरा यकीन कीजिए, वो गोली मेरे हाथ से टकरा कर नीचे गिर गई थी, लेकिन जख्म नहीं बनाया था उसने। अब धीरे धीरे मुझसे जो काम करवाए जा रहे थे, मैं बता नहीं सकता। एक गुप्त मीटिंग होने लगी थी। ये अंडरग्राउंड जगह पर होती और हर किसी ने वहाँ मास्क पहना हुआ होता। मुझे भी मास्क पहनना पड़ता। ऐसा देखने में साफ पता चलता था कि वहाँ बहुत ज़्यादा मशहूर लोग आते, बहुत अमीर लोग आते, बहुत भीड़ होती, और वहाँ से निकलते वक्त आवाज़ों से पहचाना जा सकता था वो कौन लोग हैं। लेकिन मास्क कोई नहीं उतारता। हर कोई संस्था को ज्वाइन कर चुका था, जैसे ये संस्था कब उन्हें शोहरत देती, कब उन्हें पैसा देती, पता नहीं चलता, लेकिन उनकी ज़िंदगी से सौदा होता। मैं उसके बाद मरने की कोशिश करने के लिए भी गया था, जब मैं समझ गया था कि ये मुझसे गलत काम करवा रहे हैं। मैंने कई औरतों को मारा था, चाकू से सर को अलग कर दिया था। इसके बाद कई बच्चों को मैंने मारा, कई को ड्रग्स देकर मारा मैंने। वो मुझसे मरवाते थे और मुझे मारना पड़ता था। कई एक्टर्स को उनके घर में जाकर मारना पड़ता और मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं आते, जैसे वहाँ से सबूत गायब हो जाते। मैं किसी चीज़ को जानबूझकर हाथ लगाता ताकि मैं पकड़ा जाऊँ, वहाँ पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं आते। मेरे फिंगरप्रिंट मेरी मर्जी से गायब हो जाते थे, अपने आप आ जाते थे। शरीर में बदलाव हो जाता था, मैं अपना चेहरा तक बदल सकता था, लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं था। कभी भी ये काम करना पड़ता, मेरे चेहरे का आकार बदला हुआ होता, मैं जैसे किसी और की पहचान के साथ कहीं पर जाता और कोई और पकड़ा जाता। मैं ऐसे ऐसे काम कर रहा था जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, और मुझे ये करने ही पड़ते। इसके बाद मैं उस शैतान से सौदा तोड़ना चाहता था। मैंने कहा, मैं ये सौदा नहीं करने वाला, और उसने कहा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सौदा तोड़ा नहीं जा सकता, तुम्हें अब काम करना ही होगा।
शैतान से अपनी आत्मा बेचने के बाद मुझे क्या क्या करना पड़ता था मैं आपको बता नहीं सकता। कई देशों में जाकर मुझे ऐसे काम भी करने पड़े जिससे वहाँ जंग लग गई थी। हर बार गलत झूठी चीज़ें और उसके बाद उसके नतीजे बहुत बड़े। मैं आपको बता नहीं सकता मैंने क्या क्या किया और मुझे उसके बाद मरना सही लगा। उसी जगह गया था मैं समंदर में छलांग लगाने के लिए। मैंने छलांग लगाई थी। मैं समंदर के तल में बैठा हुआ था, सांस नहीं ले पा रहा था। मैं मरा ही नहीं, एक घंटा पानी के अंदर रहा था। मैं चलकर उस पानी से बाहर निकला था। मैं नीचे तल में चलता चलता मैं तट पर आया और वहां से बाहर निकला। मर नहीं पा रहा था मैं उस शैतान की बातें मना करना चाहता था, लेकिन मैं मना करता भी तब मेरे साथ और बुरा होता। रातों को नींद नहीं आती। मैं ऐसे मशीन की तरह हो गया था जो सो नहीं सकता था, आराम नहीं कर सकता था। शरीर में मेरे भावनाएं खत्म हो रही थी। मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे प्यार नहीं आता, कुछ नहीं। मैं मशीन जैसा बन गया था। फिर मुझे लगा ये जिंदगी किसी काम की नहीं। वो आखिरी भावनाएं थी मेरे अंदर जो मुझे कह रही थी इससे बाहर निकलो वरना बर्बादी होगी। इसीलिए मैंने काम करना छोड़ दिया। मैं काम नहीं कर रहा था। मैं जो फिल्में साइन कर चुका था मैं वहां पहुंचता ही नहीं। मुझ पर केस हो रहे थे, लेकिन केस कुछ दिन बाद अपने आप खत्म हो जाते। वो लोग मारे जाते और मैं बस निकलने के लिए उसी कब्रिस्तान में गया था बड़ा सा हथौड़ा लेकर। उस दिन मैं उब चुका था इस काम से और मैं चाहता था इससे बाहर निकलना। वो शैतान मुझे आज़ादी कैसे देगा मैं जानना चाहता था। मैंने उस हथौड़े से वो छोटे से कमरे को तोड़ा। वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट निकालना चाहता था जो अब आगे से भी बंद था। मैंने वो कमरे को तोड़ डाला और वहाँ पर वो चमड़े का गद्दा। मैंने जैसे ही उसे हाथ में पकड़ा मेरे सामने वो शैतान और ऊपर से कड़कड़ाती हुई बिजली। वो मेरी तरफ देखता हुआ कह रहा था, तुम ये करना चाहते हो। मैंने कहा हाँ, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ना चाहता हूँ। ले लो सब कुछ, मैं नहीं चाहता, मुझे आज़ादी दो, मैं ये काम नहीं कर सकता। और उसने हंसते हंसते कहा था, कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी अब है, बदल जाएगी। मैंने कहा मैं तैयार हूँ, जो मैंने मेहनत से पाया है वो मेरा रहेगा, जो तुम्हारा है वो तुम ले लो। ये शरीर जो नश्वर है मुझे चाहिए। मैं मरना चाहता हूँ, कभी मेरी मौत हो मैं चाहता हूँ जो मेरी एक्टिंग मेरे पास थी मेरे पास वो रह जाए, और कुछ ना बचे मेरे पास, मैं दोबारा से ज़िंदगी बना लूँगा। उसके सामने मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ा था और उसके बाद वो बादल गायब हो गए, वो आदमी गायब हो गया। वहाँ वो कमरा मौजूद नहीं था और मैंने अपने चूंटी काटी थी, खून निकला था और मैं खुश। दर्द हो रहा था मुझे, मुझे एहसास हो रहा था, भावनाएं भर चुकी थी मेरे अंदर। आधा घंटा रोया था मैं। मैंने जो जो किया, जिन लोगों को मारा, मैंने दो देशों की जंग तक शुरू करवाई जिसमें हजारों लोग मारे गए। ये मैंने नहीं किया, मुझसे करवाया गया था, लेकिन मुझे पश्चाताप हो रहा था। अब कैसे बचूं मैं इससे। मैं गाड़ी लेकर वापस पहुंचा था और वापस जाने के बाद सब कुछ वैसा का वैसा ही था। मुझसे कुछ छीना नहीं था। मैं समझ नहीं पाया कैसे ये कैसे हो रहा है। अगले दिन मैं फिल्म के सेट पर गया था और वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड था मुझे अंदर आने नहीं दे रहा था। भागो यहाँ से, कौन हो तुम? मैंने उसको कहा, विभय जानते भी हो, ध्यान से देखो मेरी तरफ। फिर मैंने आईने की तरफ देखा, कहीं मेरा चेहरा बदला हुआ तो नहीं। वो बदला हुआ नहीं था, वो सिक्योरिटी गार्ड पहचान नहीं रहा था। गुस्से में मैंने कहा, मैं आसपास कुछ लोगों को कहने लगा, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा। तब एक प्रोड्यूसर ने मुझे पहचाना और कहा, तुम पागल हो, ये विभय सर हैं। तभी वो प्रोड्यूसर अपने सर को खुजाने लगा और मुझे अंदर जाने दिया। उस दिन मैंने एक छोटा सा शूट किया था और बार बार मुझसे गलतियां होती जा रही थी। जैसे आज शरीर कमज़ोर सा लग रहा था, साधारण लग रहा था, चोट भी लग रही थी। वो रात जब मैं अपने घर गया था सब कुछ बदला हुआ। वहाँ माँ नहीं थी, वहाँ मेरे पिता नहीं थे और तस्वीरें
तस्वीरें कहाँ गई? घर में कोई तस्वीर नहीं थी, बस खाली फ्रेम लगे हुए। अब मैं एक एक करके उन फ्रेम को देखता गया, जैसे सारी तस्वीरें गायब थी। मेरे वॉलेट तक में तस्वीरें गायब थी। उसके बाद सुबह जब मैं नीचे पहुंचा तो सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे पकड़ लिया। कौन हो तुम? ऊपर कैसे निकले थे? और किस कमरे में गए? किस घर में गए? चोरी करके आए हो ना? मैंने कहा, मैं वैभव हूँ, पागल तो नहीं हो गया? तुझे काम पर तो मैंने ही रखा था। और उसने कहा, तू पागल है, पुलिस को बुलाता हूँ, रुक। उसने मुझे दो झांपड़ मारे थे, वहाँ पुलिस भी आई थी। पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई और मैं उन्हें कहता रहा मैं विभय हूँ। एक इंस्पेक्टर ने मुझे पहचाना था, तब उसने कहा था, ये तो विभय सर हैं, इन्हें क्यों पकड़ रहे हो? तब बाकी पुलिस वाले सर खुजा रहे, वो मुझे नहीं पहचानते थे, जैसे वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं पहचानता था। ऐसा लग रहा था कुछ लोग मुझे पहचानते हैं, कुछ नहीं। उसके अगले दिन मुझे कोई भी नहीं पहचानता था, कोई भी ऐसा कहने वाला नहीं था कि मैं बड़ा एक्टर हूँ। इस घर के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था मुझे, यहाँ पर रहने वाला कोई और था। वो कह रहे थे ये घर रचित का है। वहाँ बाहर लगा हुआ वो बड़ा सा बोर्ड जिस पर विभय लिखा हुआ था, अब अपने आप वहाँ नाम बदल चुका था। मैं कुछ समझ नहीं पाया। आने वाले दिनों में लोगों की याददाश्त से मैं निकल चुका था। मेरी पुरानी फिल्मों में मैंने खुद को ढूंढने की कोशिश की, मेरी जगह एक्टर बदल चुके थे। जिस छोटे छोटे रोल को मैंने किया वहाँ चेहरे बदले हुए थे। इतिहास बदल गया था, मैं दोबारा धारावी में पहुँच गया था, वहीं छोटे से चौल में। वहाँ का एड्रेस मेरे ड्राइविंग लाइसेंस पर था, मेरे आधार कार्ड पर था, जबकि मैंने तो ये सब चेंज भी करवा लिया था जब नया घर लिया था। सब कुछ बदला, सब कुछ, इतिहास के पन्ने तक बदल गए थे। मेरे पास कपड़े कम थे, बाल घुंघराले हो गए थे, चेहरा उतरा उतरा सा था। कोई नहीं कह सकता था कि मैं एक हीरो हूँ। रंग भी मेरा जैसे फीका सा फिर गया था। मैं अब बॉडी बनाए हुए नहीं था, मेरा तो पेट निकला हुआ था। अब मैं काम करना चाहता था तो काम नहीं मिल रहा। अब मैं एक रेस्टोरेंट में काम करने लगा जहाँ पर कभी मेरे पिता काम किया करते थे। एक शाम जब मैं शराब पीकर अपने घर में था, वो शैतान सामने खड़ा होकर मुझसे पूछ रहा था, लगाओगे दोबारा अंगूठा? लगाओगे? पाना चाहते हो वो पुरानी जिंदगी या जीना चाहते हो इसी तरह से? इस तरह से कुछ नहीं रखा, ले लो अपना पुराना काम, अपनी पुरानी जिंदगी, बस बदले में छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे। कर लो ज्वाइन फिर से हमारी इस संस्था को। मैंने मना कर दिया था और नशे में था मैं। अगली सुबह मैं सोच रहा, क्या मुझे वो काम करना चाहिए या नहीं। मेरी जिंदगी इसी तरह से आगे बीती, छोटे छोटे काम करता रहा। आज मुझे कोई नहीं पहचानता। आपको भी विभय नाम नया नया सा लग रहा होगा, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, किसी और समय में आपने मेरी फिल्में भी देखी होंगी, आपने मेरे टीवी शोज भी देखे होंगे। अब मैं वहां से गायब हो चुका हूँ और एक्टर्स मेरे किरदार में पहुंच गए हैं। इतिहास के पन्नों से मुझे गायब किया जा चुका है। जो उन्होंने दिया था वो वापस ले चुके हैं। इसीलिए तो मैंने शुरू में कहा था, मेरी इस कहानी को सच साबित करने के लिए सबूत नहीं है, सबूत गायब हो चुके हैं। कोई मेरी कहानी को सच साबित नहीं कर सकता, कोई मेरी कहानी को झूठ साबित नहीं कर सकता। कई बड़े सेलिब्रिटीज जिनसे मैं बात तक कर चुका था, उन्हें पहचान चुका था, वो आज भी इस संस्था से जुड़े हैं, इसीलिए अब भी वो बहुत फेमस हैं। मैं नहीं रहा, मैं इसे छोड़ चुका हूँ और अपनी बात किसी को बता भी नहीं सकता। कोई यकीन नहीं करता, हर कोई मुझे पागल कहता है। क्या आप भी मुझे पागल समझ रहे हैं? यकीन कीजिए, ये एक भयानक संस्था है, ये आत्मा को कैद करवाती है। वो शैतान आपसे आपकी आत्मा मांगता है, बदले में बहुत कुछ देता है। वो आपके आसपास ही हैं, आप पर
भी नजर रख रहे हैं।